हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डिज़ाइनिंग ट्यूटोरियल्स में। आज हम देखने वाले हैं आफ्टर इफेक्ट्स का छठा लेक्चर। सो अगर आपको आफ्टर इफेक्ट्स को एकदम बेसिक से देखना है, स्टार्टिंग से देखना है, तो आप हमारे चैनल पर जाके बाकी के 5 लेक्चर्स देख लीजिए। तो लास्ट मैंने आपको कुछ ब्लेंडिंग मोड्स और ट्रैकिंग के बारे में, पेरेंटिंग के बारे में बताया था। तो आज हम उसी के अंदर कुछ लाइट्स से देख लेते हैं, कुछ 3D कैसा इसके अंदर है उसको देख लेते हैं, कैमरास देख लेते हैं। तो ये कॉम्पोजिशन बनाएंगे, लाइट एंड कैमरा ओके कर देंगे। सो हम एक इमेज इंपोर्ट कर लेते हैं डबल क्लिक करके। बल्ब की इसको कॉम्पोजिशन में ले आएंगे। आपको जैसे पिछले लेक्चर में मैंने शॉर्टकट बताया था, वो तो बाकी इसको फिट करके एडजस्ट कर लेंगे ज़रा। गुड टू गो। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको न्यू में से नल्स बताए थे, एडजस्टमेंट लेयर शेप्स वगैरह बताई थी। तो आज मैं आपको लाइट्स बताऊंगा और कैमरा बताऊंगा। तो ये दोनों चीज़ों को यूज़ करने के लिए हमको पहले अपनी लेयर को 3D बनाना पड़ेगा। तो 3D बनाने के लिए आप अपनी लेयर के साइड में ऑप्शन दिख रहा है, 3D का बॉक्स बना रहेगा, तो आप इसको टिक कर देंगे। अगर आपको ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ से टॉगल करके देख लेंगे, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से। तो एक बार लेयर 3D करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे, एक लाइट क्रिएट करेंगे। लाइट के अंदर आपके पास 4 टाइप की लाइट्स हैं, स्पॉट लाइट, पैरेलल लाइट, एम्बियंट लाइट और पॉइंट लाइट। तो फिलहाल के लिए हम पॉइंट लाइट लेंगे। मैं आपको एक एक करके सारी लाइट्स कैसे वर्क करती हैं बताऊंगा। पॉइंट लाइट इंटेंसिटी अभी इसको डिफॉल्ट रखेंगे, बाद में जाके इसको ऊपर नीचे कर लेंगे। ओके, तो आपको एक बेसिक लाइट मिल जाएगी यहाँ पर। आप उसकी लाइट का पोजिशन देख लीजिए, मुझे इसको यहाँ पर चाहिए। ओके, तो लाइट ओपन करेंगे, ट्रांसफॉर्म इसके पोजीशन की प्रॉपर्टीज है एंड अपन लाइट ऑप्शन में जाएंगे। सो अगर आप यहाँ से इसके इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, देख रहे हैं वहाँ पर लाइट इंक्रीज हो रही है। यहाँ से आप लाइट का कलर चेंज कर सकते हैं, अगर आपको लाइट ब्लू लाइट चाहिए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट फिलहाल मेरी इमेज येलो है तो मैं उसको येलो ही रहने दूंगा। फॉलो अप ऑन कर सकते हैं, तो ये स्मूथली एक जगह से एमिट होके लास्ट तक जाएगी। तो अब हम एक 3D स्पेस में, तो लाइट का पोजीशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है उसको, वो कैसा इफेक्ट करेगा उसके लिए। तो इजीली आपको मैं बताऊंगा कैसे आप इसको 3D स्पेस में एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे तो आप ट्रांसफॉर्म में जाके इसका जो Z साइड है, दिस वन फर्स्ट वन नहीं लास्ट वन, ये कितना दूर और कितना करीब है उसके, ये डिसाइड करेगा। ओके, और इसके अंदर एक और ऑप्शन है, आप व्यूज़ में चाहिए इसको 2 व्यूज़ कर दीजिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी लाइट कहाँ पर है, तो आप उसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, वो इमेज के कितने आगे और कितने पीछे रहेगा। तो फिलहाल हम इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं और इसके ऑप्शंस में जाके फॉलो ऑफ नन कर देते हैं। रेडियस इसको कितने ज़्यादा एरिया में काम करना है, एक ही ऑप्शन रखेंगे, इसको कितने ज़्यादा एरिया में काम करना है। अगर आप नन रखेंगे तो आपको रेडियस काम आएगा, कि मैंने फॉलो ऑफ कम किया इसका, रेडियस बढ़ा के, तो ये देख रहे हैं ज़्यादा कोने तक इफेक्ट करेगा। ये सारी चीज़ें एनिमेट कर सकते हैं आप। हम इसको नन कर लेंगे अभी। नेक्स्ट फॉलो अप आप इसका एडजस्ट कर सकते हैं कितना चाहिए, अगर आपका ये रेडियस चालू है तो। अगर स्मूथ करके मैं इसका फॉलो अप एडजस्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं कॉर्नर कैसे इफेक्ट कर रहे हैं उससे। तो अभी पॉइंट लाइट हट के हम पैरेलल लाइट देखते हैं। पैरेलल लाइट के अंदर आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, एक लाइट की जगह और एक उसका टारगेट। तो आप उसके उसे इजीली एडजस्ट कर सकते हैं कि आपका लाइट कौन से डायरेक्शन में होगा, कैसा होगा। फिलहाल
फिलहाल के लिए हम लाइट से एमिनेट करके इसको प्रॉपर जगह क्लिक नहीं होगा तो आपकी इमेज हिल जाएगी, तो उसके लिए आप इमेज लॉक कर दीजिए, तो आप कहीं भी क्लिक हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम ऑप्शंस आपको पैरालाइट लाइट में भी मिल जाएंगे। एम्बियंट लाइट देखते हैं। एम्बियंट लाइट एक ओवरऑल लाइट है पूरे आपको सीन को लाइट देने के लिए। खाली आप लेवल्स या ब्राइटनेस लगाएंगे तो ऐसी लाइट्स नहीं मिलेगी जैसे आपको इससे मिल रही है, देख सकते हैं आप। एक फॉर एग्जांपल हम एक एडजस्टमेंट लेयर लेके यहाँ पर आके ब्राइटनेस लगा देते हैं उसके अंदर, और इसकी ब्राइटनेस इसको बंद करते हैं लाइट, और ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। देख रहे कैसे वो ओवरऑल खाली वाइट कर दे रहा है, और अगर हम ये लाइट चालू करेंगे तो देखिए वो स्पेसिफिक जगह से उसको एमिट कर रहा है लाइट को। तो हम एक स्पॉटलाइट देख लेते हैं। स्पॉटलाइट बहुत ही यूज़फुल है बहुत सारी चीज़ें बनाने में। आगे चल के मैं आपको कुछ अच्छा सा बना के दिखाऊंगा इसमें। अगर आपकी इमेज में लाइट्स हैं तो आप इसकी मदद से बहुत अच्छी सी एक चीज़ बना सकते हैं। देखने जैसे मैंने एक ये लगा दिया, इसके बाद अगर आप एक लाइट और लेके सॉरी ले लिया मैंने एक लाइट और लेके एम्बियंट लाइट ले लें उसको, उसकी इंटेंसिटी 20 कर दें, तो देख रहे हैं आपके पास ओवरऑल तो हर सीन दिख रहा है, लेकिन आपके इमेज में एक स्पॉट कितनी ओरिजिनल एक स्पॉटलाइट क्रिएटेड है उससे। ये स्पॉटलाइट आप यहाँ से भी एमिट कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। जैसे कोई कोई सीन में आपकी कार का बल्ब है या बाइक का बल्ब है तो उसके लिए काफ़ी काम आ जाएगी। तो ये 3D में, तो इसलिए इसको मैं आपको बोलूँगा कि आप दो व्यू करके उसको यहाँ पर से एडजस्ट करिए, आपको इजी पड़ेगा काफ़ी। ओके, तो आप समझ गए रहेंगे कौन से एंगल में है अभी। ग्रीन से आप इसको यहाँ से नीचे ले लीजिए, ब्लू से उसको सही जगह से एमिट कर लीजिए। एक बार आप समझ जाएंगे तो आपको एडजस्ट करने में कभी दिक्कत नहीं होगी। फिर आप वापस अपने वन व्यू में आ जाएं और इसको आप एडजस्ट कर लें। फिलहाल के लिए हम कुछ थोड़ा सा इसके अंदर एनिमेशन करके देखते हैं विथ अ बेसिक पॉइंट लाइट। स्पॉट लाइट नहीं चाहिए हमको, पॉइंट लाइट ले लेते हैं जहाँ चाहिए हमको वहाँ पर। एडजस्टमेंट लेयर डिलीट कर देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं उसकी। बेसिक्स एनिमेशन करके देख लेते हैं। एम्बिएंट लाइट भी डिलीट कर देते हैं। तो पॉइंट लाइट में भी आपको सारी चीज़ों को एनिमेट करने का ऑप्शन है। तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग में इसके ऊपर एनिमेशन चालू करके इसकी इंटेंसिटी 0 कर देंगे, 100 कर देंगे, तो ये आपका नॉर्मल इमेज जैसा लाइट हो जाएगा। अब हम एक सेकेंड पे जाके उसकी इंटेंसिटी 200 कर देंगे, फिर थोड़ा सा और आगे जाके इंटेंसिटी कम, फिर ज़्यादा, फिर थोड़ी सी कम, फिर बहुत ज़्यादा, फिर नॉर्मल 100, फिर ज़्यादा, कम, लास्ट में बंद कर देंगे। इसके बाद आप प्ले करके देख सकते हैं। ये लास्ट वाले को थोड़ा क्लोज रखेंगे और इस वाले को थोड़ा और बढ़ाएंगे। बंद होने से पहले काफी ज्यादा तेज लाइट दिखेगी। फिर कुछ इस तरह। तो अगर आपको की फ्रेम्स को थोड़ा, सारी की फ्रेम्स को एक साथ आपको करीब लाना है, जैसे मेरा मुझे एनिमेशन थोड़ा स्लो लग रहा है, तो मैं सारी की फ्रेम सेलेक्ट करके ऑल्ट होल्ड करके उसको कम कर लूँगा, तो एनिमेशन हमारा फास्ट हो जाएगा।
अच्छा लग रहा है। तो बाकी का हम कुछ कैमरे में देखेंगे लेकिन अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको और भी इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल्स देखने हैं तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, जैसे कि सिनेमा 4D, कोरल ड्रॉ और फोटोशॉप के भी लेक्चर्स चालू हैं, तो जाके चेकआउट करिए। थैंक यू।